दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के मुख्य द्वार पे, जो कि ललिता घाट पे स्थित है। और आप देखिए कि शाम का वक्त हो चुका है, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं। और इसी के साथ हम वीडियो में आपको अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि शाम में जो प्रकाश यानी जो लाइट की व्यवस्था की गई है वो कितनी सुंदर दिखाई देती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे हमारे बने रहिएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं धाम के अंदर का खूबसूरत नज़ारा। आप देखिए कि ये परशुपति संकुल है। ये लोगों के यानी जो दर्शन करने आएंगे उनकी सुविधाओं का इसमें व्यवस्था किया गया है। उन्हें जो छोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं इसमें रखी जाएंगी। और इसी के साथ हम आपको आगे तक ले चलते हैं। और लाइटिंग आप देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत नज़ारा है। जो अभी ये जैसे जैसे और अंधेरा होगा ये लाइटें और चमक के आएंगी। और आप देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे। और कॉरिडोर में साफ़ सफाई का काफ़ी ख्याल रखा जाता है और जो लोग घूमने आते हैं उन्हें भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई रहेगी तभी ये सब चीज़ें खूबसूरत दिखाई देती हैं। और हमारी भी जिम्मेदारी है अपने धरोहरों को साफ रखना। और कॉरिडोर में दोस्तों पर्यावरण का भी विशेष ध्यान दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जगह जगह पेड़ लगाए गए हैं। जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो ये और इनकी सुंदरता, इनकी खूबसूरती और निखर के आएगी। अभी तो ये नए नए लगाए गए हैं। और हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको एक और खूबसूरत भवन दिखाएंगे और एक बेहतरीन चीज़ दिखाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में। ये देखिए जो भारत माता का जो मूर्त रूप है, मूर्ति है, ये भारत माता की मूर्ति है। और यहाँ पे लोग बाग जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं और इसी के साथ इन सब यादों को अपने कैमरे में कैद करते हैं। देखिए लोग मोबाइल से, DSLR से, जैसे जैसे जिसकी सुविधा है वो फोटोग्राफी कर रहा है और इन यादों को कैमरे में कैद करके अपने घर तक ले जाते हैं। और ये देखिए सोमनाथ भवन है, जो कि दोस्तों इन भवनों के बारे में भी एक वीडियो हम स्पेशल लाने वाले हैं कि इन भवनों में और क्या क्या सुविधाएं हैं दी गई हैं, वो देखने को आपको मिलेंगे। अब आप देखिए भारत माता की जो मूर्ति है वो कितनी पीछे से जो लाइटिंग आ रही है वो क्या शानदार है, खूबसूरत नज़ारा है। और लोग बाग फोटोग्राफी कर रहे हैं। और जैसे देखिए ये आप जो गलियारा देख पा रहे हैं, ये शटर लगे हुए हैं दोस्तों। दरअसल ये फूड कोर्ट है, इसे फूड कोर्ट बनाया जाएगा। जो लोग दर्शन करने आएंगे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। और आप देखिए ये गलियारे में लाल छाते लगाए गए हैं टेंट की तरह, कि जब लाइनें लगेंगी किसी त्यौहार पे, जैसे शिवरात्रि या सावन मास में जब लोगों की भीड़ उमड़ती है तो लाइनें लगती हैं, तो उनके लिए मौसम से बचने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब सावन आने वाला है। और ये देखिए कि अमृत भवन भी बनाया गया है। तो काफ़ी भवनों को बनाया गया है और हर भवन की अपनी अपनी खासियत है। और ये देखिए जो ये बड़ा सा आप द्वार देख रहे हैं, यहीं से होके बाबा के दर्शन के लिए जाया जाता है। ये जो द्वार है शाम के 7 बजे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अभी निर्माण कार्य चल रहा है तो सुरक्षा कारणों से इसे बंद कर दिया जाता है। और लोग बाग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और जल्दी से बंद कर दिया जाएगा, फिर ये सुबह खुलेगा। और देखिए रामेश्वर भवन भी यहाँ बनाया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम इसी तरह की और बनारस और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की वीडियो आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हर हर महादेव।